लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर पुलिस डीआरपी लाइन में होली के त्योहार के पहले पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को कलर बनाने का प्रशिक्षण एक निजी संस्था द्वारा दिया गया। ऑर्गेनिक कलर से होली खेलने के बाद शरीर की त्वचा स्किन को कई नुकसान ना हो, इसे देखते हुए हर्बल कलर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। यहां सब्जी व अन्य वस्तुओं से पुलिस कर्मियों को कलर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। होली खेलने पर यह कलर सामान्य पानी से भी निकाला जाता है और त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। होली के त्यौहार को देखते हुए इस त्यौहार में किसी तरह का रंग में भंग वाली स्थिति निर्मित ना हो और खेलने के बाद किसी तरह का रिएक्शन ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस परिवार की महिलाओं, बच्चों और जो हमारे डीआरपी लाइन में बच्चियां हैं, नवारक्षक हैं, उनको हर्बल कलर बनाना सिखाया गया था। और इसमें ये जो नेचुरल कलर्स हैं जैसे कि पालक, चुकंदर, पत्ता गोभी और हल्दी, टेसू के फूल, इन सब चीज़ों से कलर बनाना सिखाया। इसके अलावा अरारोट का उपयोग करते हुए फूड कलर से भी कुछ कलर्स बनवाए, तो बहुत चटक और खूबसूरत कलर उससे बने हैं। ये कलर्स स्किन पर किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेंगे, आँख में भी चले गए तो भी नुकसान नहीं होगा और खेलने के बाद ये अफसोस भी नहीं होगा कि हमारी स्किन पर या बजट पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा, क्योंकि मार्केट में जो ऑर्गेनिक कलर्स या हर्बल कलर्स मिलते हैं वो बहुत महंगे भी होते हैं। तो हमारे पुलिस परिवार वाले खुशी के साथ त्यौहार मना सकें और बाद में किसी तरह का रिएक्शन ना हो, इसलिए परिवारों के लिए ही ये बनाया गया और वो उनके स्वयं के उपयोग के लिए या पुलिस के उपयोग के लिए ही है। वर्तमान में सेल की कोई योजना नहीं है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।